हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्ड फील्ड हंटिंग में। दोस्तों आज आए हुए हैं सर्दियों पुरानी जगह पे। दोस्तों देख सकते हो मेरे आसपास में कैसा यहाँ का नज़ारा है। दोस्तों देख सकते हो आप, और यहाँ पे चेक किया जाएगा सर्दियों पुरानी जगह पे। दोस्तों हमारे साथ में बने रहना। दोस्तों ये पहले से ही बता दूँ आपको कि आपको को बहुत कुछ हम यहाँ यही से वीडियो में दिखाने वाले हैं आपको, पुरानी पुरानी निशानियाँ। दोस्तों तो दिखाइए इधर, ये देखो दोस्तों सदियों पुरानी, यहाँ पे देख सकते हो आप सदियों पुराने निशानियाँ हैं दोस्तों बुजुर्ग लोगों की। ये देखो ऊपर से भी दिखा, ये देखो देख सकते हो दोस्तों, ये देखो कितनी सदियों पुरानी निशानी बनाई हुई हैं। ये पीछे से दिखा, ये देखो दोस्तों यहाँ से ये देख सकते हो आप कितनी सदियों पुरानी निशानी। पूरे पत्थर को दिखा, देख सकते हो दोस्तों ऐसा यहाँ का सदियों कहना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे बताया हो गया है कुछ ना कुछ हो सकता है, उसी को ट्रेस करेंगे। आगे से दिखा जरा, ये देख सकते हो दोस्तों पूरा आगे से इसका मुंह भी देख सकते हो आप कैसा है कैसा नहीं है। थोड़ा दूर से दिखा थोड़ा, ये देख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे चेक किया जाएगा, डाइजिंग रॉड भी है हमारे साथ में, और देखते हैं दोस्तों अकेला बंदा हूँ, ये देखो कहाँ कहाँ सामान को रख दिया। ये देख सकते हो कितनी मेहनत करता हूँ दोस्तों। और आप भगा के वीडियो क्यों देखते हो, फुल वीडियो देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को भगा के नहीं देखना दोस्तों, फुल वीडियो देखना। तो करते हैं शुरू दोस्तों, देखते हैं ड्राइविंग रॉड दिखाती है कुछ कि नहीं दिखाती है। दोस्तों ये देखो पीछे की साइड मुँह हो रही है दोस्तों, इसका हम ग्रोड बैलेंस पहले से ही बनाया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है कि ग्रोड बैलेंस कैसे बनाना है। दोस्तों ये देख सकते हो, ये देखो सीधे चलना, फिर पीछे की तरफ मुंह हुई थी दोस्तों। तो देखते हैं कहीं पे क्रॉस होती है तो फिर आपको दिखाते हैं दोस्तों, वहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट हमें मिले। ये देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर क्रॉस हो गई है, यहाँ पर क्रॉस हो गई है, यहाँ पर देखते हैं दोस्तों यहाँ से भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या यहाँ से भी वहाँ के लिए। देखो यहाँ से भी वहाँ ही के लिए दिखा रहे दोस्तों, क्योंकि मैं दूर दूर नहीं जा सकता दोस्तों, सामान बहुत है मेरे साथ में। ये देखो एक गिर गया, ये देखो पिन पॉइंटर गिर गया, ये देखो दोस्तों यहाँ पे क्रॉस हो गई है। अब सामान को उतारते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कोई रीडिंग है तो देखते हैं, खुदाई करके नहीं होगी रीडिंग तो चलते हैं आगे। आगे बने रहना दोस्तों, आगे भी आपको निशानियां दिखाने में मिल जाएंगी, देखने में मिल जाएंगी। आ रही है दोस्तों, यहाँ पे भी कोई रीडिंग आ रही है, देखते हैं दोस्तों खुदाई करके क्या रीडिंग है क्या नहीं है। करते हैं यहाँ पे खुदाई दोस्तों, देखते हैं किस चीज की रीडिंग आ रही है, जो भी होगा तो वो दिखाया जाएगा। अब करते हैं चेक दोस्तों, देखते हैं दोस्तों किस चीज की। ये देखो जी ये भी कोई पुराना, ये देखो दोस्तों इसकी रीडिंग आ रही थी। अभी और चेक करते हैं, और चेक करते हैं, यही है दोस्तों, ये देखो यही है। और आगे बने रहो दोस्तों, आगे चलकर हम आपको और भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों हमारे साथ में बने रहो, पहले सामान को लेके चलते हैं। देखो दोस्तों कितना सामान है, चलते हैं आगे, आओ हमारे साथ में। और निशानी जहाँ पे कुछ सामान था वो निकाल दिया है किसी ने, कुछ सामान था दोस्तों साइड में, चलते हैं आपको दिखाते हैं दोस्तों, बने रहो हमारे साथ में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और निशानी है, जिसके जहाँ के यहाँ की ये निशानी बहुत मशहूर है, ये देख सकते हो दोस्तों, ये देखो अच्छे तरीके से पुराने टाइम की है ये भी दोस्तों, ये देख सकते हो।
आराम आराम से देखा। ये देख सकते हो दोस्तों अच्छे तरीके से। और यहाँ पे भी हमने चेक किया था दोस्तों, लेकिन इधर से निकाल जो सामान था यहाँ पे पड़ा हुआ वो निकाल दिया है किसी ने। जो ये है, इसको बोलते हैं गाय का पैर का निशान था, ये स्लिप हुई थी गाय किसी टाइम पे, तो उसका निशान था यहाँ पे। तो इधर से जो भी सामान था पता नहीं किसी ने निकाल दिया दोस्तों। ये देख सकते हो ड्राइविंग रॉड कहीं भी नहीं घूम रही, एक जगह टिकी हुई है। ये देख सकते हो कहीं भी नहीं घूम रही है दोस्तों, पहले भी हमने चेक किया था, कहीं भी नहीं घूम रही है, किसी और भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। इधर से सामान सब कुछ निकल चुका है, वो जगह है इधर आ जा। ये देखो दोस्तों मेरे पीछे से, ये जगह में वो सामान था दोस्तों, और उसमें सामान जो भी था इस जगह पे था। और ये कम से कम 2-3 साल, बुजुर्ग लोग बोलते हैं 2-3 साल हो गए इसको निकाले हुए। इधर बहुत हबन शबन भी किए थे दोस्तों, तो इस सामान को निकाल दिया गया है दोस्तों। तो इसी को हम आपको दिखाने की कोशिश करते थे कि ये वो गऊ, इसको गऊ पेड़ा बोलते हैं वो लोग। तो यहाँ से वो सामान तो निकाल दिया गया है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसे वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं दोस्तों, कि हमें आपको पुराने पुराने टाइम का दिखाते रहते हैं दोस्तों। तो जिस भाई को भी मेटाडेक्टर लेना होगा संजय पाशी जी से कांटेक्ट कीजिए, वो डाइजिंग रॉड लेनी होगी संजय पाशी जी से कांटेक्ट कीजिए, और कांटेक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।